हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अच्छी पहेलियाँ पूछी जाएंगी। देखते हैं अब कितनी पहेलियों को सुलझ कर पाते हैं। तो चलिए पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। आप एक रूम में फंसे हुए होते हैं जहाँ कोई बिजली ना हो और उस कमरा अंधेरा हो। वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको तीन दरवाजे हैं। पहला दरवाजा के अंदर जहरीला सांप है, दूसरे दरवाजे के अंदर भूखा शेर है जिसने पिछले दो हफ्तों से कुछ नहीं खाया है, आखिरी दरवाजे के अंदर एक जल्लाद है और इलेक्ट्रिक कुर्सी है। आप कौन सा दरवाजा का चयन करेंगे? आपका समय शुरू होता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तीसरा दरवाजा सेफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक कुर्सी बिजली के बिना नहीं चल सकती है और वह जल्लाद बिजली के लिए खोज में गया होगा। तो चलिए दूसरी पहेली की ओर चलते हैं। फायद उठकर अपने आप को एक कमरे में फंसा हुआ पाता है। अचानक उसे एक सूचना मिलती है, उसके आगे चार दरवाजे हैं और उनमें से उनको एक दरवाजा चयन करना होगा। वहां से बाहर निकलने के लिए उस कमरे में फायद के सामने एक बंदूक है जो किसी भी जानवर को मार सकता है। पहला दरवाजा के अंदर भयंकर आग है जो फैद को जला देगी, दूसरे दरवाजे के अंदर डायनासोर है जो फैद को निगल जाएंगे, और तीसरे दरवाजे के अंदर एक शेर है और एक भेड़िया है, चौथा दरवाजे के अंदर एक पुल है जिसमें शार्क है। फैद को कौन सा दरवाजा चयन करना चाहिए दोस्तों? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तीसरा दरवाजा सेफ है क्योंकि शेर भेड़िया एक साथ नहीं रहते हैं। शेर उस भेड़ियों को निश्चित रूप से मार डालेगा और फैद अपने बंदूक को इस्तेमाल करके शेर को मार डालेगा जिससे फैद उस रूम से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए तीसरी पहेली की ओर चलते हैं। एक सुबह बबीता अपने आप को एक कमरे में फंसे हुए पाती है। उस कमरे से निकलने के लिए छह दरवाजे हैं। यहाँ एक से अधिक दरवाजे सेफ हैं। दोस्तों आपको पता लगाना है कि कौन सा दरवाजा सही है। पहला दरवाजा के अंदर एक खतरनाक रोबोट है जो आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकता है। दूसरे दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है जो सालों से कुछ नहीं खाया है। तीसरे दरवाजे के अंदर एक शेर है जो पिछले दो हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। चौथे दरवाजे के अंदर एक रेगिस्तान है जहाँ भीषण गर्मी है, वहाँ घुसने पर अब जल के राख हो जाओगे। पांचवे दरवाजे में ताला लगा हुआ है क्योंकि चाबी खो गई है। छठा दरवाजे के अंदर एक जाम भी था। इन सब में से कौन सा दरवाजा बबीता चुनेगी दोस्तों? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आपका समय शुरू होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चौथी दरवाजा सेफ है। रेगिस्तान में आप रात को निकल जाते हैं जिसे सूरज आपको जला नहीं सकता और रात में रेत ठंडी होती है, और पांचवा दरवाजा की चाबी उसी रूम में खोई होगी, उससे भी आप बाहर निकल सकते थे, और छठवीं दरवाजा से आप निकल सकते थे क्योंकि मैंने कहा वहाँ एक जॉम्बी था ना कि वहाँ एक जॉम्बी है।